हेलो गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल सी एच एस हॉस्पिटल 2024। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला, है ना। तो सबसे पहले वर्णमाला मैंने हिंदी की जो सीरीज चालू कर दी है उन बच्चों के जो सी एच एस पढ़ना चाहते हैं उनके लिए, है ना। तो वैसे मैं भी तो पढ़ता ही हूँ क्लास 9th के लिए, लेकिन मैं भी पढ़ता हूँ। छोड़ो, आप ये सब छोड़ो, तो हम लोग पढ़ते हैं, शुरू कर दें। कर दें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, ठीक ना भाई। तो शुरू करते हैं, शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। वर्णमाला हर एक बार हिंदी की नई नई शुरुआत है, और एक स्लोगन नहीं कहूंगा अब की बार सी एच एस पर, और सी एच एस में जाके मस्ती करना है ना। वर्ण क्या होते हैं, मैं आपको वर्ण की प्रॉपर्टीज बता दे रहा हूँ, अभी ये नहीं बता रहा हूँ कि वर्ण परिभाषा भी यही होता है, लेकिन प्रॉपर्टीज को मैं परिभाषा बना देते हैं। हाँ, तो वर्ण क्या होते हैं, सर्वप्रथम वर्ण के टुकड़े नहीं, टुकड़े टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो ध्वनि के लिखित रूप को भी वर्ण कहते हैं, ध्वनि के लिखित रूप को भी वर्ण कहते हैं। और भाषा की सबसे छोटी इकाई भी वर्ण है ना, और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई भी वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द होती है, और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं, जिनमें लिखने के आधार पर तो 56 56 वर्ण होते हैं, और उच्चारण उच्चारण के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं, स्वर स्वतंत्र रूप से जो पाए जाने ध्वनियों ध्वनियां ही स्वर कहलाती हैं, और स्वर कहलाती है। फिर से बोल दूं, ध्वनि जो आपके मुंह से निकलता है अलग से, जिन कहते ये सब समझे ना, इसी को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि ध्वनि में भी एक ध्वनि है ना, इकाई को ही कहते हैं। और फिर वर्णमाला में स्वरों की संख्या लिखने के आधार पर 11 है ना, लिखने के आधार पर 11, बोलने के आधार पर 10 है। स्वर के प्रकार उच्चारण के हिसाब से स्वर के 3 प्रकार होते हैं, हर्ष, दीर्घ, लघु। हर्ष को एक मात्र कहते हैं, दीर्घ को द्वि मात्र कहते हैं, और प्लुत को त्रिमात्र कहते हैं। हर्ष में हर्ष 4 होते हैं, हर्ष का मतलब, हर्ष का दूसरा नाम होता है मूल या लघु, मतलब छोटा, आप मेन समझो छोटा। मूल स्वर कितने होते हैं, एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, मूल स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं, अ ई उ री, ठीक है। दीर्घ 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 आपके 7 होते हैं, आ ई उ ए ए ओ ओ ए, ए, इसलिए हर्ष नहीं है छोटा, ये जो बोलते हैं आप लोग, वो इसलिए हर्ष नहीं, क्योंकि जो आप संधि में पढ़ेंगे ये जो होता है ना, वो भी दो दीर्घ से मिलकर बनाता, इसलिए। फ्लूट क्या होता है, फ्लूट जब आप त्रिमात्र, मतलब जैसे आप किसी को पुकारते समय बोलते नहीं है ए श्याम ओम, जो आखिरी में आप आखिरी दम तक जो खींचते रहते हो ओम, उसी को कहते हैं। अब जीवा के आधार पर 3 होते हैं, अग्रपश, अग्र मध्य, पश्च। मध्य स्वर कौन सा होता है, जीवा के आधार पर एग्जाम में पूछा जाता है, मध्य स्वर सिर्फ एक है, वो भी है आपका छोटा अ, छोटा अ। अग्र कौन सा है, ई ई ए ए, मतलब ये जीवा के आगे से निकलते ई ई ए ए, है ना। और फिर मध्य अ, अम मध्य होता है। और फिर उसके बाद पश्च, पश्च 5 हो जाते हैं, है ना, अ उ उ आ उ उ ओ ओ, याद कर लेना। मुख के आधार पर, वैसे मुख के आधार पर आता नहीं, पढ़ा दे रहा हूँ, 4 होते हैं। विव्रत, विव्रत का मतलब होता है खुला हुआ मुंह, विव्रत में 1 आता है, आ आ बोलेंगे आप मुंह पूरा खुल जाएगा, जैसे के लिए खाने के लिए आप कुछ कहते रहते हैं, है ना। और फिर अर्थ, अर्ध विव्रत, जो मुंह खुला है अब वो आधा खुलेगा, ऐसे कौन कौन से, ए ओ बोल के देखना आपका मुंह आधा खुलेगा। समवृत्त विव्रत, मुंह चपटा हो जाएगा, इनको बोलने में ई ई, जो आप लोग जो ई छू छू बोलते हो ना, मुंह चपटा करके, चपटा करके ऐसे मुंह चपटा कर लेते हैं, उसी को ई ई आप बोलेंगे ई ना, तो आपका मुंह चपटा हो जाएगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा चपटा क्या होगा, चपटा किसे कह रहे हैं, वो ई बोले ई, उसका मुंह अपना शेप ले लेगा, उस शेप को ही मैं बोल रहा हूँ चपटा, समझे। अर्ध समृद्ध मतलब चपटा होगा लेकिन आधा चपटा होगा, समझे ना, ये ए ओ ओ ए ओ ओ। अयोगवा, दो अयोगवा होते हैं, इनकी टोटल संख्या। अयोग व्या ऐसे हैं जो ना तो वर्ण है और ना ही स्वर है, एक डेफिनेशन ही है। दूसरी, ये स्वर भी है व्यंजन भी है, मिस मिक्स। और फिर अयोग व्या दो होते हैं, अंग और अह। अंग क्या होता है, अनुस्वार, अह विसर्ग, समझे ना, इसलिए इनको जोड़ते नहीं है स्वरों की संख्या में। कभी आप ऑप्शन में आ जाए, अगर 11 ना है, कुल संख्या 13 दिया है, अगर 11 दिया 11 मार देना, 11 नहीं दिया तब 13 भी मारना, समझे ना, सोच समझ के मारा, लेकिन
ऐसे मार दोगे नंबर कट जाएगा भाई, 3 नंबर कटेगा। कुल संख्या 33। अब किसकी कुल संख्या बात कर रहा हूँ, व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, 33। व्यंजन स्वतंत्र रूप से किसी स्वरों के ऊपर निर्भर है कि ये भाई तुम हमारे साथ रहोगे तभी हम जिया जिंदगी रहेंगे, वरना ये कलयुग वासी हमको मार देंगे। वही बात है, 33 होता है। उच्चारण के हिसाब से व्यंजन की संख्या 41 है और लेखन के हिसाब से व्यंजनों की संख्या 35, लेकिन इनकी कुल संख्या 33। कंफ्यूजन करता है ये। मैं आपको एक डायलॉग बता दूं, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 35। वर्ग किन्हें कहते हैं, क से मा तक एक समूह में व्यवस्थित क्रम में बांटे गए वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ठ वर्ग, प वर्ग, है ना, पांच 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 वर्ग है एक वर्ग में, उसी को ही वर्ग कहते हैं। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहले इधर देख लो, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25। क से मा तक के जितने भी व्यंजन आते हैं उनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन या अर्ध स्वर व्यंजन, अर्ध स्वर व्यंजन भी नहीं कहते, यर लव, है ना, उष्मा व्यंजन स स स स स स, ध्यान दे। और फिर उत्क्षिप्त व्यंजन ड, पंचमाक्षर हर वर्ग का आखिरी वर्ग जो पंचवा वर्ड है, वर्ण है, वर्ड नहीं। प्रकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन र, पार्श्विक व्यंजन ल, संयुक्त व्यंजन चार, छ त्र ज्ञ, छ कैसे बनता है, आधा क प्लस स से, त्र त आधा त्र आधा त प्लस र से, ज्ञ कैसे बनता है, आधा ज प्लस यहाँ से, स्र स्र कैसे बनता है, स प्लस आधार, समझे क्या, आघात व्यंजन जो बाहर से आए हैं, जो बाहर से आते हैं उन्हें आघात व्यंजन कहते हैं, जैसे कि द्र फ्र, जिन व्यंजनों के नीचे बिंदु लगी रहती है। फिर द्वित व्यंजन ल लिटिल, हिंदी में पढ़ेंगे लल्ला, जो लल ला आधा ला आधा फिर पूरा ला, आधा पूरा उसी को कहते हैं। और फिर अनुनासिक क्या होता है, मुंह और कान से जो जो वर्ण बोलते हुए मुंह से और कान से हवा निकले, जैसे कि आप बोलिए ढ, मुंह से भी निकलेगी ढ, नाक से भी निकलेगी ढह, समझे क्या, हवा निकलेगी ढह ढह नहीं निकलेगा, ढह ढह बोलना भी मत, भैंस बकरी बन जाओ क्या। अब ये इसी का दूसरा होता है निरनुनासिक, और निरनुनासिक अनुनासिक जो नाक और मुंह के द्वारा ना निकले, हवा ना निकले, निर मतलब ना, समझा दिया, समझ गए, अभी तक वर्ग में वापस आ जाते हैं, वर्ग में है ना, वर्ग में सबसे पहले मैं आपके नीचे वाला पोर्शन समझाता हूँ। प्राण, प्राण का महत्व, प्राण अल्प प्राण, प्राण क्या होता है, हवा, किस वर्ण को बोलते वक्त ज्यादा हवा निकलती है, किस वर्ण को बोलते वक्त कम हवा निकलती है, यही बात है। इसको भी हमने कैटेगराइज करा है, ऐसा इंग्लिश में नहीं है कि आपको वहां मिल रहा है प्राण, प्राण हवा के रूप से तो कुछ नहीं बांटा जाएगा, तो बस वाविल कॉन्सोनेंट 9वीं तक के लिए, बाद में पता नहीं पता है, क्या मेरे को पता है, नहीं पता, छोड़ो। अल्प प्राण जिस वर्ण को बोलते हुए बोलते समय कम हवा निकले। और फिर हर वर्ग का पहला तीसरा पचवा वर्ण, पहला तीसरा पचवा वर्ण स्वर और अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, अल्प प्राण के वर्ण होते हैं। हर वर्ग का ऑड प्लेस पे, हर वर्ग का ऑड प्लेस पे जो वर्ण बैठा है वो अल्प प्राण होगा, सो बोलते वक्त कम हवा निकलेगी, है ना। और फिर स्वरों को बोलते वक्त भी कम हवा निकलेगी, और अंतस्थ व्यंजन यर अलावा अर्ध स्वर को, है ना, यर अलावा को बोलते वक्त भी कम हवा। महाप्राण हर वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण, क्योंकि 1 2 3 4 5 ऐसे कर दे बचे ना, 2 और 4 वो। और फिर उष्म व्यंजन को बोलते वक्त ज्यादा हवा निकलती है, उष्म व्यंजन कौन से होते हैं, स स स ओ स स स स स ह, ये कैसे उष्म कैसे, क्योंकि इनको बोलते हो आपकी जीभ रगड़ती है, स स ह उष्मा आती है, रगड़ने से फ्रिक्शन फ्रिक्शन पैदा होता है, एनर्जी पैदा होती है ना, जो भी कहो। मैंने उधर आपको एक बात नहीं समझाई थी, प्रकंपित व्यंजन रह सकते थे, प्रकंपित मतलब कंपन आ जाना, कंपन आ जाना, और कंपन किसे कैसे कब आएगा, जब जैसे आप बोलते रर बोल के पूरा वोकल कॉर्ड ऊपर से नीचे तक लेगा। घोष अघोष, घोष या सघोष क्या होता है, ये डेफिनेशन नहीं पूछेगा, पहली बात डेफिनेशन नहीं पूछेगा, डायरेक्ट जान लो घोष या सघोष वर्ड होते क्या, ठीक। घोष सघोष मतलब कौन सा, तीसरा चौथा पचवा हर वर्ग का, तीसरा चौथा पचवा वर्ण हर वर्ग का, तीसरा चौथा पचवा वर्ण सघोष होगा, और हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण अघोष होगा, समझे क्या। हाँ अभी देख लेते हैं, अल्प प्राण ये स्वर स्वर पूरे आ गए, यार अलावा भी आ गया, और फिर अल्प प्राण अघोष, ये देखो
बनाया हूँ भाई। ये मत सोचो कि अपन चमक चलिए देख लो यार, है ना, मां से मछली हो जाता है ना से नल हो जाता है। रहा मतलब कुछ नहीं, यह मतलब कुछ नहीं और अणु मतलब कुछ नहीं, इनका बीच में हो जाता है। हाँ, हिंदी भाषा के बारे में, हिंदी भाषा के बारे में, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। ये हमारे संविधान के 17वें भाग 351 से 300 343 से 351वें अनुच्छेद 8वीं अनुसूची में पाया जाता है। हिंदी हिंदी की राजभाषा होने का, हिंदी की राजभाषा होने में सर्वप्रथम स्वामी तो स्वामी स्वामी गोपाल गोपाल स्वामी अयंगर की ने प्रस्ताव करा था कि हिंदी को राजभाषा होना चाहिए, है ना। हिंदी का विकास क्रम संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश और हट हिंदी, ये संस्कृत का देवनागरी का देश सबसे पुरानी भाषा आदि जननी पुरानी भाषा संस्कृत। और ब्राह्मी क्या होता है, ब्राह्मी ब्राह्मी सबसे पुरानी लिपि ब्राह्मी है, जान गए आप। अब लिपियां हिंदी की देवनागरी पंजाबी की गुरुमुखी, गुरुमुखी को कौन लिखा था, गुरु अंगद देव ने। उर्दू की फारसी, फारसी अंग्रेजी की रोमन, नेपाली की देवनागरी, देवनागरी लिपि को देवनागरी लिपि का दूसरा नाम भी है, ये एक नागर देवनागरी लिपि को दूसरा नाम है नागर नागर लिपि, नागरी लिपि है ना। देवनागरी का दूसरा नाम नागरी या वैज्ञानिक लिपि भी है और ये 22 दाल लिखी जाती है। और जो आप लिखते हैं आम, आम के ऊपर एक बिंद एक लाइन खींचते हो, उस लाइन को ही शीरो रेखा कहते हैं, है ना। देवनागरी लिपि एक अक्षरात्मक लिपि है ना, देवनागरी लिपि एक अक्षरात्मक लिपि है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन संविधान ने 14 सितंबर 1949 को संविधान ने हिंदी को राजभाषा बनाया था, है ना। और हिंदी विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि विश्व का प्रथम हिंदी दिवस सम्मेलन, हिंदी दिवस सम्मेलन 10 जनवरी 1969 को हुआ गया था और हुआ था और ये भारत के नागपुर में हुआ था प्रथम, मान लीजिए। और हिंदी विश्व हिंदी दिवस अब तक चार बार हो चुका है। भारत मॉरिशस है ना, भारत मॉरिशस। अभी विश्व हिंदी दिवस को 2016 में मनाया जाता है, 2016 में मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस 2006 को प्रस्ताव करा गया था। भारू भाषा के परिवार 22 भाषा के कुल 12 परिवार होते हैं, लेकिन हिंदी भाषा के परिवार दो हैं, भारूपीय और फिर द्रविड़। भारूपीय का मतलब जो भारत और यूरोपीय में हो, और द्रविड़ का मतलब जो दक्षिणी भारत हो, उसी को कहते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद। देखते रहना सर सीरीज को, समझे क्या, देखते रहो सीखते रहो, धन्यवाद।